तारीफ है हमारी कि सांस टूटी पानी का मुंह तो दूध नहीं गया। ये शान है, तारीफ है, पानी वो इशार भाई मारो दौलत बेशुमार अजीज है। क्या महाजरीनों अंसार का इशार का जो जज्बा है वो हमारी विरासत नहीं। वहां इख्तलाफ इंसानी मुआशरे का हिस्सा है, इसे मुस्बत तौर पर देखो तो ये इंसानी मुआशरे की निखार का सबब बनता है, और अगर इसे जाती तौर पर देखो तो तफरीक का सबब बनता है, झगड़ा बढ़ाता है, कम नहीं। इस इजहार मोहब्बत में अगर तफरीक हो अम्बाम दस्तो गिरे बाम हो तो क्या इस इनहदाद की लपेट में हम आ गए कि ना आए। अब ये जानना और इस वक्त का जानना और इसकी कीमती होने का समझना, जिसे शऊर न हो, जिसे मुआशरा पागल कहता है, कभी देखिएगा कपड़ों का हाल क्या करता है, खाता पीता कैसे है, जरूरियात जो वजूदी है उसके साथ भी है, भूख उसे भी लगती है, प्यास उसे भी लगती है, नींद उसे भी आती है, रोता हंसता भी है, पैमाने अपने, लेकिन उसकी खुशी की भी समझ आती है, उसकी नाराजगी की भी समझ आती है, उसके दुख की भी समझ आती है, इंसान को है। लेकिन उसकी जरूरत की तकमील के जो तरीके और जरिए हैं, जो उसका अकल और फहम है, और जैसे वो बोलता है, जैसे वो व्यवहार करता है, वो साबित होता है कि इसमें शऊर नहीं है। शऊर क्या है? अगर तो शऊर ये है कि जो मैं कह रहा हूं ये माना जाए, फिर नतायज ऐसे होंगे जैसे मैं बता रहा हूं। और अगर तो शऊर को वो मकाम नसीब हुआ कि अल्लाह और उसका हबीब बेहतर जानता है, तो फिर तामीर की होगी और अकवाम आलम में दीन इस्लाम के पहुंचने के असबाब में ये गुनाहगार शामिल होते चले जाएंगे। तो यहां जरूरी है इस बात को समझना, आज तभी आवाज पहुंचा दे है ना, अल्लाह करीम ने उनके कुलूब को गलवा दिया। ये जिंदगी और मौत एक निजाम है, एक तसलसल है, हर एक ने अपने हिस्से का वक्त पूरा करना है, और इस सारे में होगा वो जो अल्लाह करीम चाहेंगे। इत्तबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बारीकी से ये बात समझा देता है कि मियाँ तू कुछ नहीं है, जो कुछ है अल्लाह की। जब बात अल्लाह जल्ला शानू की तरफ जाएगी तो इजहार मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन सा पैमाना होगा? क्या ये मौजू लड़ने का है, झगड़ने का है, मजीद तफरीक का है ना? ये तारीख है हमारी कि सांस टूटी पानी का घूंट खुद नहीं लिया। ये शान है, तारीफ है, पानी वो इशार भाई को दे। मानो दौलत बेशुमार अजीज है, क्या महाजरीनों अंसार का इशार का जो जज्बा है वो हमारी विरासत नहीं। बाम इख्तलाफ इंसानी मुआशरे का हिस्सा है, इसे मुस्बत तौर पर देखो तो ये इंसानी मुआशरे की निखार का सबब बनता है, और अगर इसे जाती तौर पर देखो तो तफरीक का सबब बनता है, झगड़ा बढ़ाता है। जानने के साथ ये हिस्सा न हो तो ऐसा होता है जैसे मुआशरे में आज हम कर रहे हैं, और जानने के साथ यहां दर्द हो, ये यकीन हो, तो वैसी रात तैयार की जाती है जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का इत्तबा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है। अब यहाँ जब इस हिस्से और इस कैफियत को हम देखेंगे तो रब कायनात ने क्या फरमाया, नौ मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, उनके लिए
बख्शिश है और बहुत बड़ा सिला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर मौजूद, जब ये आयात नाजिल हो रही हैं, बस्तियां आपके हुजूर बैठी हैं, दस बस्ता हाजिर हैं, और उस हाजिरी की उस कैफियत पर जिसे कोई नहीं सुन रहा, जिसे कोई नहीं देख रहा, रब कायनात ने उनके कुरूब की कैफियत उस हाल उस ईमान को अपनी मोहर अता फरमाई, उसने कबूल फरमा ली। क्या अता फरमा? बख्शिश है, अजर अज़ीम और बहुत बड़ा है। जब बात बहुत बड़े की आती है, मौलाना सामी ने कराम हमारे पैमाने नहीं मांगा, जब बात अल्लाह की अता की जाएगी। फिर दूसरा हिस्सा जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जो मैं अपनी इस गुफ्तगू के साथ आज अपने जमा होने के हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ, वो बता वाला नफी तुम कलमा क्या बोलते हैं, माजी का सीधा नहीं हाल है। और रब्बे कायनात जब ये फरमा रहे वअलम अन्नफीकुम रसूलुल्लाह, और जान रखो कि तुमने अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, हासिल जो आज इस हैसियत को पाना चाहो कि वो इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, तभी आवाज आज देखना चाहोगे तो क्या है, ले लो जिंदगी का फूल कर अपना वो हिस्सा जहां से हुक्म का इतलाक होता है, ले लो। कोई सोच बताओ जिसमें तशनगी हो कि इसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है, कोई पसंद बताओ, कोई नापसंद बताओ, कोई कलाम बताओ, कोई सोच ऐसी कि जिससे किसी और के हवाले से बात आए, कोई उठी हुई आंख बताओ, कोई कान का सुनना बताओ, कोई वजूद की हरकत हाथ और पांव का चलना बताओ कि जिसमें अल्लाह और उसके हबीब का हुक्म नहीं है। आज इस आया करीमा के तहत आने का क्या मतलब है, मैं आपसे एक इरशाद पेश कर रहा हूँ, उन्होंने इतराक को इरशादात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने जोम में तो हम कलाम नहीं हूं, मैं अपनी आवाज की बुलंदी से अपनी जात को मनवाने आया हूं, या इस नजाकत पर अपने बहन और भाइयों के साथ इरशाद पेश करने आया हूं। इस सोच को परखोगे तो मालूम होगा खालिश नीयत, फरमाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह हुआ मा आकुम मैं ना माकुम, हमें हुक्म है कि तू जहां है वह जुआ अल्लाह, तू जिथे भी है तेरा रब तेरे बाहर है, तेरा अल्लाह तेरे बाहर है। और मैं समझा इतने बच्चे में ये खवातीन और हजरात को मैं मुखातिब हूँ, ये लाइव मीडिया पर जा रहा होगा दूसरी दुनिया के हिस्से में और दूसरे शहर तक मेरा कमाल नहीं जा सकता, जरूरी है कि मैं ये आप तशरीफ फरमा। एक बात होगी रस्म और रवाजात, अल्लाह आपका मेरा आना कबूल फरमाए, आपका एक कदम कबूल फरमाए, एक रस्म और रवाजात की नजर होती है। जी एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे मोहब्बत में कुरान है, रबीउल अव्वल का कुरान है, उसमें शरीक होंगे, अल्लाह राजी होगा, वापस दुकान पर पलट कर क्या तोला ठीक, क्या सौदा साफ किया है, क्या जहां तुम्हारा इख्तियार है वहां इंसाफ किया है, एक एक बात एक एक सोच को उठाओ, वहां पहले इरशादात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। रब्बे कायनात ने कलाम जाती में जो मौजात नबूवत में सबसे बड़ा मौजा है, बहुत बड़ा मौजा है कलाम जाती, इंसानी सोच को भी मुखातिब फरमा रहा है। जहां आसमां की बात फरमाई है, वो कहते हैं ना पंजाबी में, एक कख को भी मुखातिब फरमा रहा है,
कोई शय ऐसी नहीं जहाँ कृष्ण की हो, क्या जरूरत होगी मुझे खबर की खबरा। मैंने सोचा क्या मेरी सोच तजावज पर, मैंने बोला नहीं मेरा बोल तजावज पर तो नहीं है। मैंने अमल किया उस अमल की हदूदों का, ये क्या वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाई है। इस तहत बात आई मकाम सहाबा का, क्यों उन्हें वो रजत नसीब हुई, वो अल्लाह का करम नसीब हुआ कि महलत ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाई। उन हस्तियों के कदमों की जो खाक है उसके सदके उस राह का मुसाफिर चलेगा तो उसकी मंजिल का रुख तो वही होगा। और एक जर्रा इत्तबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत का कबूल हो गया। इनाम क्या रब कायनात जान फरमा रहा है, लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। पैमाने वो है जो मालिक के हैं, हम नहीं समझते। सामीन कराम दीन इस्लाम का क्या जमा, हमारे मदारिस हमारी जरूरत है, हमारी तबलीग हमारी जरूरत है, हमारा दर्स व तदरीस हमारी जरूरत है, हमारी तरबियत ये कुलूब को कैफियात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशना करना और होना हमारी जरूरत है। हमारे माशरों में अदल का होना हमारी जरूरत है। कोई पहलू उठा लो हमारी जरूरत। और हमने क्या किया, किसी ने मुझसे सवाल किया, ये जो दीन है क्या ये मौलवी साहब का है? और मैं सोचा इनहदाद देखो लफ्ज मौलवी उसमें किरदार भी होगा, ये इनहदाद भी होगी, कम इलमी भी होगी, एक दर्जे की अहलियत है दीनी इलम। हमने उसके साथ क्या किया, किसी को कहो मौलवी साहब बात सुनो देते हैं आपको क्या जवाब। और ये शान हमारी, हमने और हमारे किरदार ने क्या किया कि खुद इसे पसंद नहीं। मैंने कहा नहीं मियां तुझे गलती लगी है, मैं तो गुनहगार आदमी हूं, मौलवी का नहीं है। रब कायनात ने औलाद आदम को मुखातिब फरमाया या अय्युहन नास। मैंने कहा वहां बात नहीं रुकी, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बात मैंने कहा यहां भी नहीं रुकी, फरमाया आमलुस सालिहात। फिर मैंने कहा जब यहां पहुंचोगे तो बात तेरे और मौलवी की नहीं रहेगी, हम सब की हो जाएगी और समझ आएगी तो रोज जब सब में पेश होना तो क्या हो, तो जरूरी है मेरे अल्लाह तो गफूर रहीम सारे दुनिया से जाना पड़ता। Allah'a emanet olun.